अभी जो आप वीडियो देखोगे उस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, ये वीडियो जो है OMG 2 के बारे में है। जी नहीं, ये कोई रिव्यू नहीं है, ये कोई स्पॉइलर टॉक नहीं है, और ना ही ये एक क्रिटिक, जैसे नहीं क्रिटिक्स लोग बनाते हैं वीडियो मूवी के बारे में बताते हैं, मूवी का मतलब कमियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं, तो ये वो वीडियो भी नहीं है। इस मूवी में मैं सिर्फ बात करूंगा जो मैं कुछ घंटों पहले OMG 2 मूवी देख के आया हूं, तो उस मूवी के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों ये मूवी इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये मूवी आपको देखनी चाहिए, और इस मूवी को जो मिला है ए रेटेड टैग, मतलब सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को अडल्ट करार किया है, तो मैं बोलूंगा कि ये अडल्ट जो इस मूवी को टैग मिला है ये सही है या गलत। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ, और अगर ये सब सुनने के बाद आपको लगता है कि आपको ये वीडियो नहीं देखनी है तो भैया एंड तक जाके स्किप मत करना, ये वीडियो आखिरी तक स्क्रॉल करके वीडियो वहीं एंड कर दो, क्योंकि भैया अगर आप ये वीडियो यहाँ पे काट के आगे बढ़ जाओगे ना दूसरे वीडियो पे तो मेरा एक व्यू घट जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूं। पहली चीज, ये जो मैं मूवी के बारे में आपको बात करूंगा ये नॉन इंस्पायर्ड टॉक है, मतलब मैंने अभी तक इस मूवी के कोई भी रिव्यू नहीं देखे है। 2 दिन हुए इस मूवी को रिलीज हुए तो मुझे ये था कि श्योर था कि मुझे ये मूवी तो देखनी है, तो उस मूवी को देखने से पहले मैं कोई और रिव्यू नहीं देखना चाहता था, क्योंकि क्या है ना, रिव्यू देख के आपके दिमाग में पहले से एक धारणा बन जाती है। मैंने बस इस मूवी का ट्रेलर देखा है और 1-2 गाने सुने हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो ये एकदम नॉन इंस्पायर्ड रिव्यू, नॉन इंस्पायर्ड टॉक होगा आपके साथ। और दूसरी चीज ये है कि जो मैं मूवी के बारे में बात करूंगा हो सकता है आपके लिए स्पॉइलर हो, कि बहुत से लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो वो लोग भी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में कुछ सीन्स है उन सीन्स के बारे में बात करूंगा। और तीसरी चीज, इस मूवी को रिव्यू नहीं दे रहा मैं सिर्फ इस मूवी पे लगे अडल्ट रेटेड टैग को थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूंगा। तो चलिए बात करते हैं OMG 2। तो OMG 2 एक सीक्वल है, जैसे कि अभी हॉल में लगी है गदर 2, इतनी फेमस मूवी गदर, उसका सीक्वल, और OMG 2 भी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही हिट मूवी OMG की सीक्वल है। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, इस फिल्म के नॉट OMG 1 के, इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, इस मूवी में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को चुना है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट दिखाया है, कैसे बच्चों में सेक्स एजुकेशन इम्पार्ट किया जा सकता है स्कूलों में, घरों में, सोसाइटी में। अब ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इस पे अगर आप एक नॉर्मल मूवी बनाओगे इंडिया में तो कुछ चीजें होंगी और वो चीजें मैंडेटरी है, वो होंगी ही होंगी, जैसे कि आपके थिएटर को, मतलब थिएटर्स में आपकी मूवी बैन होना, पुतले जलाना डायरेक्टर के, एक्टर के पुतले जलाना, लोगों मतलब फिल्म में जितने भी स्टार कास्ट उनके घरों में बमबारी और ये ईटा पत्थर मारना, गाली गलौज करना, मीडिया पे जाके तू ये हाय हाय कैसी मूवी बना दी ये करना, ये सब होना लाजमी है। लेकिन इस फिल्म के मेकर्स क्रिएटिव है, इन्होंने OMG 1 की अपार सक्सेस का फायदा उठाया है, मतलब उसको यूज किया है, क्योंकि OMG 1 एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, उसमें कैसे गॉड को इंकॉर्पोरेट करके स्टोरी में घुसाया, ठीक है, स्टोरी जो थी एक कैसे एक नास्तिक आदमी भगवान के अगेंस्ट केस करता है, उसको कैसे अच्छे संजीदगी से जोड़ा है। इस मूवी को उस मूवी से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन उस मूवी का सब्जेक्ट लाइन चुराया, गॉड का सब्जेक्ट निकाला, और वो जो मेन इस मूवी का जो थीम है सेक्स एजुकेशन उसको लिया और ऐसे परोप के दिखाया है ना कि आप वो सब वो दंगे फसाद वाले जो आपके दिमाग में चल रहे ना कि ये मूवी आएगी तो ऐसे कर देंगे, थिएटर में आग लगा देंगे, पुतले जला देंगे, वो सब आप भूल जाओगे, और बहुत ही सीरियस तरीके से इस मूवी को देखोगे स्टार्ट टू एंड तक। ये मूवी शुरू होती है एक आस्तिक आदमी से, मतलब भोलेनाथ का भक्त, और उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे उसका बच्चा है मास्टरबेशन करते हुए पकड़ा गया स्कूल में, स्कूल प्रेमिसेस में, और उसके बाद क्या हुआ तो वो ट्रेलर में जाहिर है कि वीडियो लीक हो जाता है, हर जगह तू होने लगती है, जो पंकज त्रिपाठी जो मेन लीड है इस मूवी में उनके मतलब उनको सोसाइटी में बहुत नीचा देखने लगते हैं, परिवार वालों को प्रॉब्लम होती है, बेटी को भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को तो स्कूल से निकाल ही देते, फिर बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो आमतौर पे ये चीजें हमारे सोसाइटी में बहुत ही नॉर्मल है, ये चीजें बहुत होती हैं, जो ये अब्यूज है ना और ये जो बुली है ना स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है, और जो बच्चे थोड़ा बहुत ये करते हैं उनको लगता है ये पाप कर दिया मैंने, बहुत से लोग क्या है ना ये मास्टरबेशन वाला जो सब्जेक्ट है ना हर लड़का करता है, लड़का क्या
दोनों ही जेंडर करते हैं, लेकिन बस यह है कि लोग बोलते नहीं, बताते नहीं, ठीक है नहीं बताते नहीं बोलते, लेकिन अगर उसका एक वीडियो लीक हो गया तो भैया फिर उस इंसान की तो लाइफ ही खत्म। और इस मूवी में भी यही मूवी का स्टार्टिंग, इस मूवी का यही है कि वो वीडियो लीक होता है और उसके बाद पूरे फैमिली की लाइफ तबाह हो जाती है। उसके बाद अब इस पे ही नॉर्मल मूवी चलती तो शायद इस सब्जेक्ट पे बहुत लोग को एतराज होता कि ये क्या दिखाया जा रहा है मूवी में, अडल्ट रेटेड नहीं, इस मूवी को तो बैन कर देना चाहिए। बहुत से राष्ट्र में तो ये मूवी बैन हो जाती, पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता। लेकिन क्रिएटर्स, इस मूवी के जो मेकर्स है ना, इतना क्रिएटिव दिमाग लगाए हैं, इतने क्रिएटिव तरीके से इस मूवी में भगवान को इनकॉर्पोरेट किया, सीधे सीधे भोलेनाथ को बुला लिया इस मूवी को बचाने के लिए, मतलब उस फैमिली को बचाने के लिए। और उसको भी इतने अच्छे तरीके से दिखाया ना कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एब्सर्ड है, ऐसा होता कहां है, भक्त है तो भगवान है। जैसे कि ओएमजी में दिखाया था कि कैसे एक नास्तिक की मदद करने के लिए भगवान खुद नीचे आ गए थे और उसकी परिवार को उसको कैसे राह दिखाए, तो भैया जब एक भगवान का भक्त अगर ऐसे मुसीबत में पड़ता है तो भगवान किस हद तक उसकी सहायता करेंगे, इस मूवी में ऐसा भी दिखाया है। अब बात करते हैं इस मूवी का जो मेन थीम है, सेक्स एजुकेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से केस लड़ा गया है, पूरी मूवी स्टार्ट टू एंड तक उसी कोर्ट रूम में है। मतलब कुछ भी फालतू की चीज नहीं दिखाई है, गाने भी उसी सीन्स के और उसी थीम के, उसी फीलिंग के इर्द गिर्द घूमे हैं। एक दो ही है, कुछ ऐसे फालतू गाने भी नहीं घूमे और वो भी अच्छे है। मतलब आप मूवी देखने से पहले गाने सुनोगे तो आपको अच्छे लगेंगे, मूवी देखने के बाद ये गाने आपको और भी अच्छे लगेंगे। तो अब थीम पे आते, तो जो ये थीम है सेक्स एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेक्स एजुकेशन क्यों होनी चाहिए। मूवी में दिखाया है कि कैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश के टाइम से ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता आ रहा है। हम सब वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम टी डमटी पढ़ते हैं, हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते हैं, हम लोग ठीक है, हम लोग जूलियस सीजर पढ़ते हैं, हम लोग मैकबेथ पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर पढ़ते हैं, प्रेमचंद नहीं, पंचतंत्र नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी वही ब्रिटिश वाला चल रहा है। तो हो सकता है छोटे छोटे शहरों में हिंदी स्कूल, जो हिंदी मीडियम स्कूल से उनमें ये सब पढ़ाया जाता हो। मैं बताता हूं, मेरे स्कूल में तो नहीं था, और मेरा स्कूल मेरे शहर का सबसे प्रोमिनेंट स्कूल था, तो मेरे को तो नहीं बताया गया, मेरे स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है एक दो साल रहा हो स्टार्टिंग में, उसके बाद वापस से वही ब्रिटिश वाला। अब अंग्रेज आए, भारत का पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया, चले गए, मतलब भगा दिए गए वहां पे। वो अभी भी अपना मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी वही सिस्टम फॉलो करते हैं। हमसे अगर कोई वो इंटीमेट ऑर्गन्स या वो क्या जो इस मूवी में बोला गया गुप्त अंग ऐसा कोई बात करते तो हम एकदम अरे क्या बोल दिया भाई, ये सब नहीं होता हमारी सोसाइटी में, ये तुम गलत हो, तुम अरे क्या पूछ रहे हो मेरे से, छोड़ो। टीचर लोग जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं भाई साहब, उनका मैं आपको एक अपनी लाइफ का रियल एग्जांपल देता हूं। क्लास 10th बायोलॉजी का सब्जेक्ट, बायोलॉजी पढ़ाती थी हमारी टीचर थी, अब नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि शायद क्या पता अभी पढ़ा रही हूं, 8-10 ही साल हुए। सब्जेक्ट में एक चैप्टर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भैया वो चैप्टर स्किप, चैप्टर 14, चैप्टर 15, फिर सीधे 17, दिस इज योर होमवर्क, सब्जेक्ट ही उड़ा दिया। ये है क्योंकि भाई वो टीचर जो बायोलॉजी की टीचर है, मेल ऑर्गन पढ़ा ली लेकिन फीमेल पे आने के बाद ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आना, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया उसी चैप्टर से, लेकिन पढ़ाया नहीं क्योंकि जब पढ़ाने वाला ही हेजिडेंट है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। और फिर वही है, इस मूवी में यही दिखाया है कि जो गलती बच्चे ने की वो कुछ गलत नहीं किया, गलत ये था कि जो जगह पे उसने किया, जो वीडियो उसका पकड़ा गया वो वीडियो उसका स्कूल में ही बना, बच्चों ने ही छुपके बनाया, तो वो जगह गलत थी। तो आप देखोगे मूवी तो यही, मूवी का मूल स्रोत यही है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, बस अज्ञानता के कारण हुआ है इसलिए वो गलत लग रहा है। अगर वही चीज स्कूल में पढ़ा दी जाती या बता दी जाती या समझा दी जाती तो फिर वो शायद हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो चीज शायद उस जगह नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि उनको लग के गिल्ट हो गया, भैया मैंने क्या कर दिया, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, लोगों को पता चल गया मैं ये करता हूं मैं सुसाइड कर लूंगा। तो वो चीज, बस वही चीज को हाईलाइट किया। ओएमजी 1 में भी यही था, जितने भी हमारे पुराने जितने भी ग्रंथ है, हमारे ही क्या दूसरे भी जो धर्म है उनके ग्रंथ भी ले लीजिए आप, भगवत गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, उसी को स्रोत बना के केस लड़ा गया था। ये क्योंकि सेक्स एजुकेशन पे है, तो हमारे जो पुराने जो किताब है चरक संहिता,
टेल ऑफ कामा सूत्रा, इस पे मूवी भी बन चुकी है, इंडिया में वो बैन है हालांकि आप नहीं देख सकते, डाउनलोड करके टॉरेंट से देख लोगे, लेकिन भैया इंडिया में तो वो मूवी बैन है। तो ये सब साहित्य को इस्तेमाल किया गया और इसी के बेसिस पे इस मूवी में जो केस पंकज त्रिपाठी अपने बेटे के लिए लड़ रहे वो लड़ते चलेगा। और एंड में तो भाई समा बांध दिया पंकज त्रिपाठी और उनके जो बेटे का किरदार निभा रहे उस कैरेक्टर ने, सिर्फ और सिर्फ मेन लीड पंकज त्रिपाठी मूवी को, मतलब अगर ये मूवी 2 घंटे 40 मिनट की है तो 2 घंटे 10 मिनट तो पंकज त्रिपाठी ने इस मूवी को ऐसा पकड़ के रखा ना अपनी एक्टिंग की वजह से। मैं नहीं सोच सकता कि उनकी जगह कोई और एक्टर होता तो इस मूवी को उस सहिष्णुता से कर सकता, और जो उनके डायलॉग डिलीवरी और जो उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन में जो वो आता है ना, वो ऐसे सब्जेक्ट पे सिर्फ वही वो एक्सप्रेशन दे सकते हैं। यामी एक सीन है इस मूवी में, पंकज त्रिपाठी सरल हिंदी भाषा में यामी गौतम की तारीफ करते हैं। अब आप किसी लड़की की तारीफ करोगे तो क्या बोलोगे, वाह यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, अरे आपका फेस कितना ग्लो करता है, वाह क्या बाल है आपके। उन्होंने ना भैया जो इन एक आदमी एक औरत में देखता है सीधा सीधा उसी की तारीफ की हिंदी भाषा में, क्या यामी गौतम को घंटा को समझ में आया, वो कह रही है थैंक यू, और उसके बाद वही चीज जब असली हिंदी भाषा में बोली स्तन नितंब, तो ये क्या अश्लील बातें हो रही है, उन्होंने अभी आधे घंटे पहले तो आप उस पर थैंक यू बोले हो। अब क्या क्या गलत होता है हमारी सोसाइटी में, मैं अलग से नहीं बोला, इस मूवी में दिखाया गया चाइल्ड अब्यूज, गुड टच बैड टच, पोर्नोग्राफी वगैरह वगैरह, यही सब चीजें। तो यही सब चीजें अगर हमें बचपन से बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें हमें सिखाई जाने का कोई पॉजिटिव या कोई ऑप्टिमिस्टिक तरीका नहीं है, है। छोटे छोटे गांव के आजकल आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे आ रहे कि टीचर कैसे छोटे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में डिफरेंस बता रहे। अरे एक तो सीन इस मूवी में ऐसा है कि पुजारी की ही अपनी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, उसे पता नहीं, ये चीजें जब सामने आती है तो पुजारी की बेटी बोलती है अच्छा ये गुड है ये बैड है तो मैं बैड बताती हूं। तो यही इस मूवी में एकदम हाईलाइट करके दिखाया है। और अब मैं बॉलीवुड के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड जो है ना इस साल एकदम अपना एक्सलोरेट कर रहा है ग्रोथ के बेसिस पे। पठान आई 1000 करोड़, रॉकी रानी की प्रेम कथा भाई गजब फैमिली एंटरटेनमेंट ने, सालों के बाद करण जौहर की एक अच्छी मूवी आई है जो पूरी परिवार बैठ के देखा होगा। गदर 2 तो ऐसा गदर मचा रही है कि भैया पीवीआर के 10% स्टॉक्स बढ़ गए 3 दिन में। और OMG 2 इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट पे मूवी बनी है ये, इस मूवी ये मूवी भी कमाल करी। आज जो हम लोग शो देख के आए हैं, अर्ली मॉर्निंग शो था उस थिएटर का, पहला शो था दिन का और वो पूरा आगे तक सीट्स भर के हाउसफुल था। अक्षय कुमार की हाउसफुल उतनी हाउसफुल नहीं थी जितनी OMG 2 थी, और ये अक्षय कुमार की मूवी है भी नहीं, मैं आपको बोल सकता हूँ ये मूवी पंकज त्रिपाठी की है, अक्षय कुमार की नहीं है। अक्षय कुमार उसमें बस अपना OMG 1 वाला किरदार थोड़ा सा हल्का फुल्का निभाया है, अच्छा निभाया है, उन्होंने भी कुछ ओवर नहीं किया, बहुत ही अच्छा किया। जितने भी सीन्स में अक्षय कुमार का प्रेजेंस था वो सीन बहुत ही ज्यादा लाइवली था, और पंकज त्रिपाठी का तो कोई प्रेजेंस ना भी हो थोड़ा सा अपना मुंह भी ऐसे हिला देते ना तो भैया वो तो एकदम कालीन भैया स्टाइल हो जाता, लेकिन इस मूवी में जो कैरेक्टर उन्होंने पकड़ा है आप उसको उसी कैरेक्टर से याद करो। तो इतनी अच्छी बॉलीवुड की ये इस साल का मतलब जो कैलेंडर जा रहा है बॉलीवुड का बहुत अच्छा जा रहा है, और आगे जवान आने वाली है, फिर सलार आने वाली है, तो सब तो अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा इस मूवी को जो रेटिंग दी गई ना वो अडल्ट रेटिंग दी गई है। अब इस मूवी में क्या दिखाया गया है, सेक्स एजुकेशन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चों को जानना जरूरी है, मूवी में पूरा पूरा थीम ही यही है कि बच्चों को पता होना चाहिए सही और गलत क्या है। और भैया बॉलीवुड बोलता है कि ठीक है ये मूवी रिलीज होगी लेकिन बच्चे ही नहीं है मूवी देख सकते, ये कैसी हिपोक्रेसी है बॉलीवुड की। इतने टाइम के बाद आपको एक अच्छी मूवी मिली है, इतने अच्छे सब्जेक्ट पे मिली है, और आप उस मूवी को ए रेटेड टैग देते हो, उसके बावजूद ये मूवी हाउसफुल जा रही है। आप सोचो यही चीज जो मूवी में दिखाई गई है, यही हम आने वाली पीढ़ी को बताना चाहेंगे या फिर अभी जो छोटे बच्चे उनको दिखाना चाहेंगे कि भैया ये सीखो, क्योंकि भाई स्कूल में तो तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हारे घर पे तो भाई मार देंगे तुमको, चुप रहो असली बातें करता है ऐसे बोल के चुप करा देंगे। लेकिन जब ये मूवी में दिखाया गया ना एंटरटेनमेंट बना के तो आप देखोगे तो आप सीखोगे। लोग KGF देखते हैं तो रॉकी भैया जैसे करने लगते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो मूवी में पेश किया गया था। जब कुछ बड़े पर्दे पे कुछ दिखती है ना तो बच्चे उसको बहुत जल्दी कैच कर लेते। डॉन रिलीज हुई थी शाहरुख वाली, अमिताभ बच्चन वाली तो मेरे को याद नहीं, शाहरुख वाली, तो भैया हर कोई डॉन बन के घूमने लग गया था।
तेरे नाम रिलीज हुई थी, हर कोई ऐसे हेयर स्टाइल लग के लेकिन अच्छा इंसान बन रहा, क्योंकि भैया सलमान खान उसमें अच्छा इंसान थे, हीरो थे, हेयर स्टाइल ऐसे रखने लग गया था। तो कोई चीज अगर बड़े पर्दे पे दिखती है ना तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है यंग जनरेशन पे। और आप कहते हो कि जो यंग जनरेशन के लिए मूवी बनी है वो यूथ ही नहीं देख सकता, 18 साल के बच्चे देख ही नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या हुआ? आप पेरेंट्स को सिखाओगे, पेरेंट घर जाएंगे फिर बच्चे को मारेंगे, यार ये कैसी हिपोक्रेसी है बॉलीवुड की। तो मुझे को लगता है ना यार यही यही चीजों पे सेंसर बोर्ड जो है ना हमारा बॉलीवुड का चूक जाता है। जो मूवी हर वर्ग के लोगों के लिए बनी है ना उसको ए रेटेड टैग दे दिया। और ऐसी बहुत सी नेटफ्लिक्स पे एक वेब शो है, टीवी शो है, ब्रिटिश टीवी शो है, सेक्स एजुकेशन। बहुत से हमारे मेरे एज के लोग और मेरे से कम एज के, मेरे से 10 साल छोटे, मेरे से 15 साल छोटे बच्चे भी वो टीवी सीरीज देख रहे हैं। और वो मूवी इसी सब्जेक्ट पे, सेक्स एजुकेशन, कॉलेज में हाई स्कूल के बच्चों के बारे में वो बच्चे देख रहे हैं। उस पर तो सेंसर बोर्ड बैन नहीं लगा सकता, तो जब वो देख रहे हैं हाँ तो फिर ये मूवी में क्या कमी है भाई? इस मूवी में तो कुछ इतना गंदा दिखाया ही नहीं है जो बच्चों के लिए है। उसमें देखो आप क्या क्या नहीं दिखाया है। और इस मूवी में सिर्फ उस बात पे उस चीजों पे चर्चा हुई है, हाईलाइट किया गया है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है, और ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है तो भैया उनको एक्नॉलेज करो, और अगर सुधार सकते हो तो सुधारो, और नहीं सुधार सकते हो तो चुप रहो, उसके अगेंस्ट मत जाओ। अब बॉलीवुड तो बॉलीवुड है भाई, वो तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो मूवी देखा है, हम तो बच्चे नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये ए रेटेड टैग इस मूवी से हटे, इस मूवी की व्यूअरशिप और बढ़े, और ओटीटी पे आई ये मूवी, फिर देखना ये मूवी कैसे रोकोगे आप, ओटीटी पे आ जाएगी जब, ये कैसे रोकोगे आप बच्चों को देखने से, बच्चों के लिए ही है ये। अब हो सकता है 2-3 साल के बच्चे कुछ ना समझे तो भाई उनपे तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन 5-6 साल के ऊपर के बच्चों को तो असर पड़ेगा ना यार। छोटे छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं होता कोई उनको कैसे टच कर रहा है, उनको तो पता, उनको लगता खेल रहा है, अंकल मेरे साथ खेल रहे, चाचा मेरे साथ खेल रहे। लेकिन कभी कभी होता है ये चीज हमारे साथ भी, आसपास, हमारे साथ नहीं तो हमारे आसपास कहीं ना कहीं ये हुआ, और हम इस बात को दबाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार समाज में हाँ वो मजाक बन जाएगा, समाज में मजाक के पात्र बन जाएंगे, हमारे परिवार को वो क्या कहते हैं काला नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, थू होगी। लेकिन ये चीज एग्जिस्ट करती है, और इस चीज को कोई अगर मूवी लाइमलाइट में लाना चाहती है तो उसे देखो। गदर टू आई नो डाउट बहुत ही अच्छी एक्शन पैक्ड मूवी होगी, मैं खुद देखूंगा उसको, वेट कर रहा हूँ ओटीटी पे आएगी मैं देखूंगा। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य था कि मैं ओएमजी 2 ही देखूं, क्योंकि इस मूवी का जो ट्रेलर था ना उस ट्रेलर से मुझे इतना आवाज हो गया था कि ये मूवी किस सब्जेक्ट पे है, लेकिन इतने अच्छे से उस सब्जेक्ट को दिखाएगा ये मेरे मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर निकल गई मूवी। और मैं इस मूवी के मेकर्स को मतलब बहुत ही हैट्स ऑफ, मतलब उनको मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि ऐसे सब्जेक्ट को दिखाया है, और सिर्फ हम नहीं, हमारे से बड़े लोग भी, हमारे से छोटे लोग भी इस मूवी को देख सकते हैं। कुछ भी ऐसा गंदा नहीं है, ए रेटेड टैग इट्स बायस, बॉलीवुड का बायस डिसीजन है ये। अब उसके बाद मेरे को बहुत लोग कुछ भी, वैसे भी हमारे 10-20 लोग ही देखते, तो कुछ घंटा कर नहीं पाएंगे आप लोग, लेकिन जो लोग देखते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया अगर ओएमजी 2 नहीं देखिए तो ओएमजी 2 देखने जाइए। ये मत आप सोचो कि ए रेटेड है ये है, बड़े शहरों में तो ना बच्चों को रोका भी नहीं जाता थिएटर से, अगर टिकट है बच्चा है आप जाओ सर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चे के साथ आए हो तो बोले सर 2 टिकट लीजिए, बच्चे को बाहर छोड़िए, तो माँ बाप कहेंगे भाई हम बच्चे को बाहर नहीं छोड़ेंगे, हम जा रहे हैं। तो पीवीआर और आईनॉक्स भी चाहता है कि आप उनकी मूवी देखिए, हाँ ठीक है चलो 3 टिकट लो देखो, रोक लो बॉलीवुड। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहां एंड करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप लोग पूरा वीडियो हमारे मेरे साथ बने होंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मैं और मूवीज देखूंगा और मूवीज के बारे में और बोलूंगा, क्योंकि भाई मेरा भी पैशन यही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और OMG 2 जरूर देखने जाइए। जय बोले।